कि आपने इतना एक्टिवली हमारी एक आइडिया कॉन्सेप्ट को इतना एक्टिवली आगे लिए हैं. आई थिंक फॉर ऑल द टीचर्स एस्पेशली लेड बाय सच अ सिंपल बट हाई थिंकिंग लीडर हेडमास्टर एंड एसएमडीसी प्रेसिडेंट, सभी के लिए एक बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करता है. क्योंकि जैसे झा बोल रहे थे, हमको पेशेंस कम है, हमको जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए होता है. और जब हम स्कूल्स के लिए ढूंढ रहे थे कौन से स्कूल में पहला पायलट करें, आर फर्स्ट सजेशंस, वन ऑफ द फर्स्ट सजेशंस वाज मैडम ग्राम स्कूल में ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना स्कूल भी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीम बहुत अच्छा. एक जो भी प्रोजेक्ट सक्सेस होता है उसमें टीम की बहुत ज़रूरी होती है. एंड यहाँ का टीम, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग ओवर वेरियस मीटिंग्स एक साल से, बहुत ही एक्टिवली लिए, विच इज़ वाई आई एम ग्रेटफुल फॉर ग्राम स्कूल कमिंग फर्स्ट, कि आप एक मिसाल बन के बाकी स्कूल्स को सबक सिखा सकते हैं. एंड जो भी बच्चा, स्टूडेंट, अलुमनाई, यूथ जो भी क्रॉस कर रहा है, देखता है कि इतनी सुंदर सा स्कूल, इतनी खुशी का माहौल हमारे पढ़ने के टाइम पे क्यों नहीं मिला, ये एक सोच तो आ ही रहा है. जैसे शंकर बोल रहा था कि सेल्फी लेना शुरू किए हैं कि इतना सुंदर सा स्कूल देख के हमारे ज़िले में. दिस क्रेडिट कम्प्लीटली गोज टू द टीम. जब हम टीचर्स को देखते हैं, आधे टीचर्स दूसरे स्कूल्स में बीमार, सोते हुए, बिल्कुल मोटिवेशन के बिना, नॉट इंटरेस्टेड, बस ये सैलरी के लिए, हम ये अटेंडेंस मारने के लिए आते हैं जैसे दिखते हैं. बट ये स्कूल जब से मैं एंटर करी हूँ, एक अलग सा आनंद है, हवा में भी आनंद है, टीचर्स भी आनंदित लग रहे हैं. इतना सुंदर से आज देविया रेडी होके आए हैं, इतना खुशी लगता है कि बच्चों को भी लगता है मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अच्छे टीचर से ज्ञान सीख रहा हूँ. तो इस ज्ञान को मैं अपने आप को और अपना देश को कैसे आगे लेके जाऊं, ये मेरे को सोच में डालता है. हमारा अर्ली मैन के टाइम से, जब से हमारे, आप देखेंगे अजंता एलोरा पेंटिंग से भी, एक मनुष्य का दिल आर्ट जो बोलते हैं पेंटिंग से बड़ा उत्तेजित हो जाता है, ये एक अनमिस्टेकेबल फैक्ट है. क्योंकि हमारा ब्रेन गेट्स कनेक्टेड टू पिक्चर्स. हम हमेशा सीखते हैं कि पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एक तो आर्ट का एक खुशी है, दूसरा जब हम कलर्स देखते हैं प्रकृति में इतनी खुशी लगती है. जब हम फूल देखते हैं इतनी खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि वो अलग रंग सा दिखता है. ऐसे रंग जब बच्चों को दिख जाते हैं हर रोज, उनको पढ़ाई का जॉय ऑफ लर्निंग जो बोलते हैं वो अंदर से आता है. वो खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, बट जब देखते हैं कुछ तो अच्छा लगने लगता है. यही कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हुए हैप्पी स्कूल्स का प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें 100 स्कूल्स हमने चुने हैं, जिसमें सारे हाई स्कूल्स कवर किए हैं और बाकी जैसे ग्राम एमवी स्कूल भी लिए हैं, जिसमें एक तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, हमारे वॉल्स, हमारे टेबल्स, हमारे जैसे बोल रहे थे स्विच बोर्ड, हर चीज़ में हम सीखने की इच्छा कैसे आगे लेके जा सकते हैं. तो एक बाला कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है जो अब बाकी स्कूल्स में भी लाने वाले हैं. दूसरा, हम प्ले मटेरियल भी दे रहे हैं. आप जनरली देखते हैं SSA में एडिशनल क्लासरूम के लिए बजट होता है, बट वो भी कम हो जाता है. खाने के लिए बजट होता है बट कम हो जाता है. स्पेसिफिकली प्ले टूल्स जिसमें मेंटल ग्रोथ हो. आपने सुना होगा रूबिक्स क्यूब, बेसिकली सारे रंग एक ही साइड में लाना है, वो क्यूब को यूनिफॉर्म कैसे दिखाएं, वो हम डिज़ाइन, वो हम ला रहे हैं. बच्चे जब उसको पजल की तरह सॉल्व करने लगता है, उसका कॉग्निटिव स्किल्स अंदर से बढ़ने लगते हैं. तो हम प्ले टूल्स भी ला रहे हैं. तो एक स्कूल जाने का जो काम है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी एक खुशी का एक्टिविटी होना चाहिए, यही हमारा गोल है. इसी से हमने ये हैप्पी स्कूल कॉन्सेप्ट लाया था. तो आई थैंक ग्राम स्कूल की आपने लीडरशिप दिखाया है, इतनी सुंदर से आपने